Hello friends, welcome to my channel Tech Linguist. If you want to learn Python programming, then you are in a right place. In this video, we will see how many data types are available in Python and input-output built-in functions are present in Python. इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे, मींस डेटा टाइप होता क्या है एक्चुअली, पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स इसमें सपोर्टेबल है वो हम लोग देखेंगे. तो डेटा टाइप्स होता क्या है फ्रेंड्स एक्चुअली. Data type is an attribute that tells what kind of data the variable can have. Means data type क्या है? ऐसा एक attribute है जिसमें हम लोग किस type के data को save करा रहे हैं ये बताता है. Normally हमारे Python में कितने data type है वो पहले देख लेते हैं. Means built-in core data types available in Python they are numbers, string, list, tuple and dictionary. Means actually mainly हम लोग के पास 5 टाइप के डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं पाइथन में. उसमें नंबर्स हैं, स्ट्रिंग हैं, लिस्ट हैं, टपल्स हैं और डिक्शनरी हैं. सब डिवीजन भी होता है फ्रेंड्स इसमें नंबर्स के. मींस नंबर्स के अंदर सब डिवाइड और होते हैं जिसमें कि इंटीजर, बूलियन, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स. मींस नंबर्स के सब डिविजन्स होते हैं और जो कि है इंटीजर, बूलियन, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स. ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके हम लोग इसके सारे के प्रैक्टिकल्स देखें. नाउ वी विल सी द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज डेटा टाइप. तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने पाइथन शेल में, मींस पाइथन आईडीई में. अब यहाँ फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले देखते हैं नंबर्स के अंदर, मींस नंबर्स के जो सब डिविजन्स हुए हैं उसको पहले देख लेते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आता है इंटीजर. अब इंटीजर क्या होता है फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ fractions. Means integers are whole number, जैसे कि 25, 75, 21, 7, means जो एक whole number रहता है वो सारे आ जाते हैं integers में. मतलब python का एक advantage ये है friends integers के terms में कि हम लोग को integers का कोई भी length देने का जरूरत नहीं है. In python integers can be of any length. ठीक है friends, integers किसी भी length का हो सकता है python में. इसमें हम लोग को लेंथ स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप जैसे ही यूजर इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग वो मैनिपुलेट कर लेंगे बैकएंड में. इन जो पाइथन है वो क्या करता है बैकएंड में मैनिपुलेट कर लेता है उसको. तो हम लोग देखते हैं इंटीजर का a इक्वल टू 10. ठीक है फ्रेंड्स, 10 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू, ये हम लोग को पता है. अब इसको हम लोग a इक्वल टू 10, अब ये a क्या है, एक वेरिएबल है, इक्वल टू दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर एंड 10 इज द वैल्यू ऑफ a. अब इसमें वेरिएबल ये a जो है इसका डेटा टाइप क्या है ये देखते हैं. अब डेटा टाइप क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है दैट टेल्स व्हाट काइंड ऑफ डेटा द वेरिएबल कैन, ये जो वेरिएबल है ए किस टाइप के डेटा सेव हो सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप. ठीक है फ्रेंड्स, अब डेटा टाइप चेक करना है हम लोग को अगर ए का, तो उसके लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन टाइप PYPE फंक्शन ब्रैकेट एंड वी हैव टू पास वन आर्ग्यूमेंट दैट इज वेरिएबल नेम, दिस वेरिएबल नेम. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइप एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग को एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है और ये कंपलसरी है, एक आर्ग्यूमेंट ये कंपलसरी मैंडेटरी है ये. तो इसमें हम लोग को एक आर्ग्यूमेंट ये देना पड़ेगा कि ऊपर का हम लोग को डेटा टाइप किस वेरिएबल का हम लोग को डेटा टाइप चेक करना है. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या आया, क्लास इंट. ठीक है, तो ये जो ए है वो इंटीजर डेटा टाइप है. अब देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग ने अभी बोला थोड़ा देर पहले कि जो इंटीजर है उसका हम लोग को लेंथ डिफाइन करने का जरूरत नहीं है. मींस इंटीजर कैन हैव कैन बी ऑफ एनी लेंथ. यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बी इक्वल टू 1798 एंड एनी रैंडम नंबर यू कैन इंसर्ट. आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम नंबर. ओके फ्रेंड्स, तो इसका हम लोग अब देखते हैं डेटा टाइप, ये बिलियन ट्रिलियन में जाएगा फ्रेंड्स ये. ठीक है, उससे भी ज्यादा जा सकता है सॉरी. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग बी का डेटा टाइप देखते हैं, टाइप बी एंटर, सेम वैल्यू आया, मींस सेम डेटा टाइप आया. बी का भी डेटा टाइप क्या है, इंट. ए वेरिएबल का डेटा टाइप इंट, मींस ये हम लोग प्रैक्टिकली देख चुके हैं फ्रेंड्स, मींस इंटीजर कैन बी ऑफ एनी लेंथ. ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ इंटीजर. अब सेकंड डेटा टाइप क्या आता है, नंबर के अंदर फ्लोट. अब फ्लोट क्या होता है फ्रेंड्स, एक फ्रैक्शन नंबर होता है, मींस डेसिमल्स नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. मींस डेसिमल वैल्यू के फॉर्म में हम लोग उसको शो करा सकते हैं, ऐसे वैल्यू को हम लोग बोलते हैं पाइथन के डेटा टाइप में फ्लोटिंग वैल्यू. अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं सी इक्वल टू 23.98. ओके फ्रेंड्स, ये क्या है, एक डेसिमल वैल्यू है, मींस यहाँ पर हम लोग डेसिमल लगा रहे हैं, उसके बाद टू यूनिट्स और हैं, तो ये क्या हो जाता है, डेसिमल वैल्यू.
एंटर। अब इसका डेटा टाइप चेक करते हैं फ्रेंड्स हम लोग, टाइप सी एंटर। तो देखिए इसका डेटा टाइप क्या आया, फ्लोट। अब फ्रेंड्स फ्लोट में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लोट को दो टाइप से, एक तो नॉर्मल डेसिमल वैल्यू हो गया और एक एक्सपोनेंट वैल्यू हो गया। एक्सपोनेंट वैल्यू मीन्स exp, एक वेरिएबल है लेते एक्सपोनेंट वैल्यू 23 e^0 मीन्स ऐसे हम लोग लिखते हैं ना फ्रेंड्स, मैथ 2^2 7^2 5^2 डिग्री, डिग्री एक्सपोनेंट एंड पावर, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ एक्सपोनेंट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अगर ऐसा, तो इसका डेटा टाइप क्या आएगा, ये भी सेम फ्लोटिंग वैल्यू ही आएगा, टाइप exp एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्लोटिंग वैल्यू दो टाइप का हो सकता है, एक तो डेसिमल वैल्यू एंड वन इज द डेसिमल वैल्यू एंड सेकंड वन इज द एक्सपोनेंट वैल्यू। नेक्स्ट डेटा टाइप इनसाइड नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर मेनली ये कहाँ यूज होता है फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत यूज होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, CPLX कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 23.03 प्लस 0.6J। ये J क्या है फ्रेंड्स, एक इमेजिनरी नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे जो वैल्यूज रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स एक इंटीजर वैल्यू एडिशन का ऑपरेशन है, उसके बाद डेसिमल वैल्यू प्रेसीडिंग विथ एन इमेजिनरी नंबर, मीन्स इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं पता हमको, ये एक इमेजिनरी नंबर। इसका अगर हम लोग डेटा टाइप चेक करेंगे CPLX, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है कॉम्प्लेक्स, मीन्स इट इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। इवन दो फ्रेंड्स हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कहाँ यूज किए, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, 11, 12 में जब मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो वहां हम लोग रियल नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स के साथ डील करते हैं, तो वहां हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। अब स्ट्रिंग क्या होता है फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर, मींस मीनिंगफुल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वन एक वेरिएबल ले लिए, स्ट्रिंग को हम लोग इसमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के टर्म्स में, हम लोग यूज कर सकते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास का, टेक लिंग्विस्ट एंटर स्ट्रिंग टू टेक लिंग्विस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या किया हम लोग, स्ट्रिंग वन करके एक वेरिएबल लिए जिसके अंदर डबल कोट्स के अंदर हम लोगों ने एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स का यूज किया और लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ और कोट्स के साथ में हम लोग उसको क्लोज कर दिए। तो हम लोग स्ट्रिंग को ऐसे लिख सकते हैं, एक मेथड ये है, मेथड है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों का एक बार डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों का डेटा टाइप क्या आया, सेम आया स्ट्रिंग। अब इसके अंदर हम लोग नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं, मींस स्ट्रिंग 3 इक्वल टू, अब देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर मैं नंबर्स भी लिखता हूँ तो वो भी क्या ट्रीट होगा पाइथन में, एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में नंबर्स लिखा है। तो ये जो 1-2 रैंडम नंबर्स हैं वो कैसे ट्रीट होंगे, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट, टाइप स्ट्रिंग 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बार और देख लेते हैं सिंगल कोट्स के साथ, स्ट्रिंग 4 इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमास एनी रैंडम नंबर, टाइप स्ट्रिंग 4 एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों का सेम आया। अब नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं हम लोग जो कि है लिस्ट। अब फ्रेंड्स लिस्ट क्या होता है, अ लिस्ट एंड टपल आर पाइथन कंपाउंड डेटा टाइप। लिस्ट क्या है फ्रेंड्स, एक कंपाउंड डेटा टाइप है पाइथन का। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट का यूज कैसे करते हैं हम लोग, LST एक वेरिएबल लिए, इसका हम लोग यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या हुआ, एक लिस्ट हुआ। मींस नॉर्मली रियल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को बनाते हैं, कोई भी आइटम के लिस्ट को हम लोग कैसे बनाते हैं, एक के नीचे एक, मीन्स लाइन बाय लाइन हम लोग बनाते हैं। तो इसमें अगर हम लोग को प्रोग्रामिंग के टर्म्स में, पाइथन प्रोग्रामिंग के टर्म्स में हम लोग को अगर लिस्ट क्रिएट करना है तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा एक तो स्क्वायर ब्रैकेट का, और दो एलिमेंट में, मींस इसके अंदर के वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट, तो दो एलिमेंट को हम लोग सेपरेट किससे करते हैं, कॉमा से। अब लिस्ट के अंदर हम लोग इंटीजर्स वैल्यू भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू डेसिमल वैल्यू भी ले सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी ले सकते हैं, 0.9 प्लस 3.4। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसका हम लोग एक बार डेटा टाइप चेक करते हैं, टाइप
lst enter. तो देखिए यहाँ पर क्या आया, लिस्ट. अब ये होता है हम लोग का लिस्ट, मीन्स बाय द यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट वी कैन क्रिएट लिस्ट एंड द एलिमेंट इनसाइड लिस्ट आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉमा. नेक्स्ट डेटा टाइप होता है टपल. अब ये दोनों लिस्ट और टप दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस ये है कि लिस्ट को हम लोग डायनेमिकली रन टाइम में चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल को हम लोग डायनेमिकली चेंज नहीं कर सकते. मीन्स टपल एक क्या है, स्टैटिक टाइप का डेटा टाइप है. टपल के लिए यूज करते हैं हम लोग नॉर्मल ब्रैकेट 1, 2, 3, 45 प्लस 67, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 34 प्लस 0.5j, स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं टेक लिंग्विस्ट. ओके फ्रेंड्स, अब इसका देखते हैं हम लोग डेटा टाइप, TPL. इसका डेटा टाइप क्या है, टपल. ठीक है फ्रेंड्स, टपल और लिस्ट में एक मेजर डिफरेंस यही है कि लिस्ट को हम लोग डायनेमिकली रन टाइम में हम लोग इसके वैल्यूज को या एट्रीब्यूट को या एलिमेंट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल के एट्रीब्यूट को या एलिमेंट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते रन टाइम में. अब हम लोग नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं फ्रेंड्स, डिक्शनरी. डिक्शनरी डेटा टाइप इज अनदर फीचर ऑफ पाइथन. द डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमास सेपरेटेड बाय की एंड वैल्यू पेयर विद इन कर्ली ब्रेसेस. और डिक्शनरी का एक फीचर ये भी है फ्रेंड्स कि इसमें दो कोई भी दो की सेम की नहीं हो सकता. मींस नो टू की कैन बी सेम. मींस इसमें क्या रहता है, यूनिक की रहता है. जैसे कि नॉर्मल लाइफ में हम लोग डिक्शनरी यूज करते हैं तो उसमें एक हार्ड वर्ड रहता है जिसका मीनिंग हम लोग को नहीं पता रहता है, इसी कारण हम लोग डिक्शनरी का यूज करते हैं. तो सेम इसमें प्रोग्रामिंग के टर्म्स में, पाइथन प्रोग्रामिंग के टर्म्स में, डिक्शनरी का हम लोग यूज की और वैल्यू के पेयर में करते हैं. अब इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं. DCT एक वेरिएबल लिए और डिक्शनरी को हम लोग यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस का, जिसके अंदर हम लोग को की और वैल्यू को दोनों को हम लोग को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देना पड़ता है. नेम और उसको की और वैल्यू को हम लोग सेपरेट करते हैं कोलन से. नेम को हम लोग दे दिए. अब टेक लिंग्विस्ट एंटर. ठीक है फ्रेंड, इसका डेटा टाइप देख लेते एक बार. DCT देखिए, डिक्शनरी, DICT ये शॉर्ट फॉर्म है डिक्शनरी का. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. DCT2 equal to 1, 1, 10 and sorry, यहाँ पर हम लोग को यूज करना था curly braces का. DCT 2 equal to curly braces in order to 1 and 10. ठीक है friends, तो इसका भी सेम क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा, डेटा टाइप क्या आएगा, डिक्शनरी DICT. यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, नेम को मेरे को लेना था स्ट्रिंग में, इसी कारण यहाँ पर हम लोग क्या यूज किए, सिंगल इनवर्टेड कॉमास का. नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग को 1 का वैल्यू को, मींस ये की है, इसका वैल्यू को मेरे को लेना था इंटीजर में, इसी कारण मैंने यहाँ इनवर्टेड कॉमास का यूज नहीं किया. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका भी हम लोग टाइप एक बार देख लेते हैं. हालांकि हम लोग लिस्ट, टपल और डिक्शनरी ये तीन मेजर टॉपिक्स हैं पाइथन के, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे के वीडियोस में. DCT2. ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी टाइप कन्वर्जन, मींस इफ यू वांट टू कन्वर्ट द इंट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू इनटू स्ट्रिंग, देन व्हाट फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस आर अवेलेबल इन पाइथन, व्हाट फंक्शंस वी कैन यूज बाय द यूज ऑफ दैट फंक्शन, how we can convert the data type into another data type. Okay friends.